दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एप्पल के WWDC 24 इवेंट के बारे में, जहां पर विजन ओएस, iOS, tvOS, watchOS, iPadOS और macOS के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। साथ ही एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी एप्पल इंटेलिजेंस को। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या इवेंट में। सबसे पहले एप्पल ने अपने एप्पल टीवी प्लस के बारे में बताया। काफ़ी नया कॉन्टेंट ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अपने पुरानी सीरीज़ के नए नए सीजन जो है लाने वाले हैं। उसके बाद बात हुई विजन ओएस की। अब विजन ओएस आपको पता है, विजन प्रो एप्पल का डिवाइस है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मिक्स करके काम करता है। उसके बारे में, उसका जो ओएस है उसको कहते हैं विजन ओएस। तो यहाँ पर आप काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें ऑलरेडी कर पा रहे थे, बट अब एप्पल ने और चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले नए गेम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आप और अच्छे से चीज़ों से इंटरेक्ट कर पाए और मज़ा ले पाए इस चीज़ का। साथ ही प्रोफेशनल्स के लिए चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर ऑलरेडी 1.5 मिलियन एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर कंपैटिबल कर दिए गए हैं इस डिवाइस के लिए। और फिर विजन ओएस 2 को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर कुछ बेसिक नए फीचर्स आए हैं। जैसे फ़ोटोज़ में आपको स्पेशल फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल गया है। अब बेसिकली हुआ क्या कि आपकी नॉर्मल फ़ोटोज़ को कुछ इस तरह से इन्हांस कर देगा कि उसमें एक 3D इफेक्ट आ जाएगा, वो एक डेप्थ क्रिएट कर देगा, जिससे आप अपनी फ़ोटोज़ के अंदर ट्रैवल कर पा रहे हैं, इस तरीके का आपको फील होगा। तो ये एक फीचर है जो यहाँ पर ऐड किया गया है। साथ ही कुछ इजी टू यूज़ जेस्चर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप आराम से इंटरेक्ट कर पाए अपने पूरे विजन जो भी प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कमाल का फीचर लगा ये कि आप अपने मैकबुक को इससे इंटरेक्ट करवा सकते हैं, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर आप अपने मैकबुक को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा कि इतनी बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाएगी, जबकि वो एक फ़िज़िकल स्क्रीन होगी भी नहीं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़े चेंजेस जो आए ना, वो आईपैड ओएस में आए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि स्पेशल वीडियो का भी आपको ऑप्शन मिल गया है। सिमिलरली, जैसे फ़ोटोज़ में एक डेप्थ क्रिएट हो पा रही थी, वैसे ही यहाँ पर वीडियोज़ में ऑटोमेटिकली आपकी नॉर्मल वीडियोज़ में जो आप आईफोन प्रो सीरीज़ वाले आईफोन से शूट करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ जो है देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके बारे में, डिवाइस के बारे में, तो इन्होंने कुछ नई कंट्रीज़ में भी इसको इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, जो जून 28 से जो है अवेलेबल होगा। उसके बाद बात करते हैं iOS 18 की। यहाँ पर भी कुछ बेसिक फीचर्स ऐड हुए हैं। ये बेसिकली वही फीचर्स हैं जो हमने एंड्रॉयड में आज तक देखे हैं, बस एप्पल दे नहीं रहा था आपको। तो इन फीचर्स में आपको क्या मिलता है, आप अपने आइकन्स को आप कहीं भी लगा सकते हैं। अपने एप्लीकेशन को आप पहले एक ट्रे में लगाते थे, एक सीक्वेंस में लगाते थे, बट अब वो सीक्वेंस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे आइकन्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो एक डार्क मोड भी उनमें दे दिया गया है, तो वो डार्क मोड के हिसाब से सब चेंज भी हो जाएंगे। एंड सिर्फ ये नहीं, आप उनके कलर्स को भी अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। जो भी कलर स्कीम आपको चाहिए, सारे आइकन्स को एक ही कलर में बना दीजिए, तो ये आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिला है। साथ ही कंट्रोल सेंटर को इस तरह से चेंज कर दिया गया है कि आपकी म्यूज़िक कंट्रोल एक तरफ आएंगे, आपके होम कंट्रोल्स एक तरफ आएंगे, फोकस मोड एक तरफ आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। साथ ही आप अपने कंट्रोल सेंटर में जितने भी टॉगल्स हैं उनके जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, तो रीसाइजिंग का ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है। और आपको जो आपके लॉक स्क्रीन पर ये फ्लैश लाइट और कैमरा वाले बटन मिलते थे, अब आप इनको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो लगाना चाहे लगाइए। फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्टली स्नैपचैट का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और एक्शन बटन के थ्रू भी आप काफ़ी सारे चेंजेस कर पाएंगे। प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन दे दिया है। पहले आप शॉर्टकट्स के थ्रू एक सेकंड का डिले वाला लॉक लगाते थे, बहुत बड़ा चक्कर होता था, बट अब आप ऑफिशियली अपने किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। लाइक आप व्हाट्सएप में अपने आईफोन में लगा सकते थे, तो अब किसी भी एप्लीकेशन में ये होगा, और वो एप्लीकेशन जो आप हाइड कर देंगे, हाइड करने का भी ऑप्शन मिल गया है। अगर आपने वो हाइड कर दिया है, लॉक कर दिया, तो कॉल हिस्ट्री, सिरी सजेशन, ऐसा कुछ भी चीज़ जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लॉक मतलब वो एप्लीकेशन प्रॉपरली लॉक हो गया है और आपकी परमिशन के बिना ऑन नहीं होगा। साथ ही मैसेजेस की बात करें तो ये रिएक्शन वाले जो टैब्स हैं, अभी इसमें आपको कुछ और इमोजीज डालने का ऑप्शन मिल गया। बेसिकली सारे इमोजीज का ऑप्शन मिल गया, और आप अपने मैसेजेस को यहाँ पर उनको रिमाइंडर के तौर पर लगा पाएंगे, और अपने हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि कब आपको मैसेज देना है। साथ ही सैटेलाइट मैसेजिंग का ऑप्शन भी आ गया है उन आईफोन्स में जिनमें सैटेलाइट के थ्रू वो काम कर पाते हैं। वॉलेट में चेंज कर दिया है ट्रांजैक्शन करने का तरीका। इस तरह से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कुछ इस तरह से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो काफ़ी कूल वे है ये ट्रांजैक्शन करने की, ये भी एक चेंज है। साथ ही गेम मोड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब गेम मोड में इन्होंने फिलहाल यही बोला है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ताकि आप अच्छे से गेम खेल पाए। अब इसमें छोटे मोटे चेंजेस गेम मोड में क्या आते हैं, कितने आते हैं, ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कुछ खास बड़ा चेंज स्पेसिफाई नहीं किया है। फ़ोटोज़ में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए। बेसिकली इसका पूरा यूज़र इंटरफेस चेंज हो गया है। आप अपनी एल्बम्स को इस तरह से स्वाइप करके ही एक्सेस कर सकते हैं। अब नीचे से जो बटन है उसका अलग से हटा दिया है। सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल गया है। आप स्क्रीनशॉट्स के बेसिस पे
डेट के बेसिस पे सॉर्टिंग कर पाएंगे। साथ ही जो आपकी मेमोरीज है उनके बीच में आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं केवल एक सिंगल स्वाइप के थ्रू कुछ इस तरह से, और आपके जो मेमोरीज है उनको एप्पल जो है एप्पल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत अच्छे से लगा सकता है। आप कमांड दे सकते हैं उसको कि आपको किस तरह से आपकी मेमोरीज़ को तैयार करना है, तो पूरा सीक्वेंस वैसे तैयार होगा। ऑडियो एंड होम में जाएं तो यहाँ पर आपको इनसाइट का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली जब भी आप अपने एप्पल टीवी पर कोई कंटेंट देख रहे होंगे तो उससे रिलेटेड इनसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही सबटाइटल्स हर समय नहीं होंगे, सिस्टम अपने आप समझ जाएगा कि आप ट्रैक कर रहे हैं टाइमलाइन पर तो आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो उस समय ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स ऑन हो जाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि आपका कॉन्टेंट क्या था और स्टोरी में चल क्या रहा है बेसिकली। तो ये कुछ चेंजेस है जो ऑडियो एंड होम में इन्होंने करे हैं। उसके बाद बात करें वॉच ओएस की, तो वॉच ओएस में आपको कुछ स्पेसिफिक तरीके का डेटा मिलेगा, एक ट्रेनिंग मोड अलग से दे दिया है, तो जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे और इन डेप्थ डेटा अपने हेल्थ के बारे में मिलेगा ट्रेनिंग लोड के थ्रू। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये आम यूज़र्स के लिए उतना यूज़फुल होगा, लेकिन जितने भी प्रो यूज़र्स हैं उनको अपना पूरा डेटा जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही पहले आपको पता है ये स्टैक्स का ऑप्शन जो है दे दिया था, अब ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वेदर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको बतानी पता होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली वेदर से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट ऊपर आ जाएगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत समझ जाएगी कि आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, तो वो वाला स्टैक जो है ऊपर आ जाएगा। हेल्थ रिलेटेड स्टैक अपने टाइम पर ऊपर आ जाएगा। और सबसे बड़ा चेंज आया है इन आईपैड्स में, तो आईपैड ओएस 18 यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और मुझे काफ़ी क्रेजी फीचर्स लगे इसमें। तो बेसिकली जितने भी बेसिक फीचर है, कंट्रोल सेंटर, होम स्क्रीन, फोटोज़, ये सारे तो यहाँ पर दे ही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा जो लेआउट है वो चेंज कर दिया है सारे ही एप्लीकेशन का। फॉर एग्जांपल आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्लेग्राउंड्स है, पेजेस है, की नोट है, नंबर है, ये जितने भी एप्लीकेशन इनका पूरा यूज़र इंटरफेस चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं पूरे एस्पेक्ट रेशियो को, इतनी बड़ी स्क्रीन को और यूज़फुल कैसे बनाया जा सकता है और इंटरैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उस पर एप्पल ने ध्यान दिया है। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है, एक नया ऑप्शन आया है शेयर प्ले का। यहाँ पर आप किसी और के आईपैड से अपने आईपैड के थ्रू इंटरैक्ट कर पाएंगे, उसके बीच में चेंजेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो किसी और को गाइड यहाँ पर किया जा रहा है फुटेज में कि आपको किस तरह से अपने आईपैड को यूज़ करना है। तो बेसिकली दो अलग अलग एप्पल आईडी पे चलने वाले आईपैड जो है यहाँ पर इंटीग्रेट हो गए हैं, और परमिशन अगर आपने दे दी तो वो आपके आईपैड को अपने आईपैड से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर हो गया है। बेसिकली आपको बस इंटरनेट की यहाँ पर ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे बड़ा फीचर जो यहाँ पर आया है वो आया है एप्पल के कैलकुलेटर एप्लीकेशन में। तो कैलकुलेटर एप्लीकेशन आईपैड में और मैक ओएस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन ये कोई सिंपल कैलकुलेटर नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हुआ है नोट्स ऐप के साथ। तो मैथ नोट नाम का एक फीचर यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो आप आपकी पूरी कैलकुलेशन की हिस्ट्री जो है यहाँ पर बना पाएंगे, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको केवल क्वेश्चन लिखना है, इक्वल्स टू साइन लगाना है, और उसका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आपके नोट्स में आपका कैलकुलेटर जो है कैलकुलेट करके दे देगा। इस तरीके का इंटीग्रेशन यहाँ पर बनाया गया है, और आप कैसी भी इक्वेशन लगा दीजिए आंसर जो है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो नोट टेकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपने कोई एक इस तरह से ग्राफ बना रखा है या एक डायग्राम बना रखा है तो उसका भी आंसर केवल और केवल डायग्राम से देख के आपको कैलकुलेटर दे देगा। ना सिर्फ ये, से यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है इक्वेशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं, अगर आप कोई यहाँ पर जाते हैं इसको एक प्रॉपर ग्राफिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और इक्वल्स टू साइन पर क्लिक करते हैं तो आपको ग्राफ क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप उस इक्वेशन का पूरा ग्राफ जो है ऊपर दिए हुए डेटा जो एक्स की वैल्यू दी है या जितने भी डिग्रीज पर आपने लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से बन जाएगी और ग्राफ तैयार हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, से ए इक्वल्स टू 30 डिग्री लिखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नीचे जो है ग्राफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इनसेन लेवल ऑफ फीचर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ यहाँ पर एप्पल ने कर दी है, और छोटे मोटे चेंजेस और भी थे लेकिन मेजर यही है। इसके बाद बात करें मैक ओएस की, तो मैक ओएस में भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए। नए मैक ओएस को बोला जाएगा मैक ओएस सिखोया, और यहाँ पर वही सारे चेंजेस जो अपने कैलकुलेटर बेस देखे या मैसेजेस में देखे या फिर ऑफलाइन मैप्स पे देखा, तो ये सारे फीचर्स जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं। कुछ छोटे मोटे चेंजेस और किए गए हैं जैसे सफारी में किया गया है या इधर उधर किया गया, लेकिन मेजर चेंज था ये आईफोन मिररिंग का। आप अपने आईफोन को अपने मैकबुक के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, आपका आईफोन से कहीं और है, थोड़ा दूर है और वो लॉक है तो वो लॉक ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर आप घुस पाएंगे अपने मैकबुक के थ्रू और कंप्लीट यहाँ पर इंटरेक्शन कर पाएंगे अपने आईफोन का और मैकबुक का। और इसके अलावा इसको और बेटर गेमिंग मशीन बनाने के लिए कुछ और स्पेसिफिक गेम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ज़्यादा गेम्स का आप यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद एप्पल ने बताया एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी एआई और एप्पल का जो इंटीग्रेशन होने वाला है उसमें।
इसमें मुझे पर्सनली कुछ भी खास नहीं लगा है, ये वही सारे फीचर्स है जो सैमसंग हमको ऑलरेडी दे चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपको उसकी टोन फ्रेंडली करनी है, फॉर्मल करनी है, वो आप चेंज कर पाएंगे, ग्रामर को चेंज कर पाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो चेक कर पाएंगे। ये कुछ बेसिक फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़े बहुत और इन डेप्थ होंगे जो इन्होंने भी नहीं बताया है, बट फॉर श्योर लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एक चीज़ और है कि ये जो जितने भी एप्लीकेशंस है या चेंजेस है, जो एप्पल इंटेलिजेंस वाले चेंजेस है, ये जितने भी चेंजेस है ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस पर ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ही एप्पल डिवाइसेस पर आप इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सिलिकन चिप वाले मैकबुक है आप तो इसका यूज़ कर सकते हैं, आईफोन 15 प्रो सीरीज़ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और सिलिकन चिप वाले आईपैड्स पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जनरेटिव एआई का आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से फ़ोटोज़ को जनरेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको दिया गया है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुछ चिपसेट्स है जिन पर ये काम करेगा और सभी पर ये काम नहीं करेगा, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सैमसंग ने तो किया था कि सारी प्रोसेसिंग वो क्लाउड पर करते थे, उसकी वजह से आपके डेटा ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाते थे, लेकिन प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने बोला है कि हम ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग करेंगे, कहीं पर भी क्लाउड पर कुछ भी नहीं होगा। ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए आपका प्रोसेसर जो है पावरफुल होना चाहिए, और इसलिए मैकबुक्स के लिए या फिर आईफोन्स के लिए या फिर आईपैड्स के लिए पावरफुल प्रोसेसर्स को ही यहाँ पर चूज़ किया गया है, इसलिए एप्पल इंटेलिजेंस हर डिवाइस पर काम नहीं करेगा। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि आपको कब किस एप्लीकेशन में क्या ज़रूरत है, और उस तरह से चीज़ें काम करेंगी। सिमिलरली सिरी में भी कुछ चेंजेस आए हैं, तो एप्पल सिरी अब तक तो काफ़ी यूजलेस सी चीज़ हो गई थी पिछले 2-3 साल में, लेकिन अब नए फीचर्स यहाँ पर आ गए हैं। बेसिकली चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट करेगी और आपको सजेशंस आंसर्स उसके इंटीग्रेशन के साथ ही मिलेंगे। कुछ और बेसिक चेंजेस हैं लेकिन वो आई डोंट थिंक कि सब लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बेसिक चेंजेस लाइक हमने पहले भी एंड्रॉइड में देखा इस तरह से बैकग्राउंड को क्लियर कर देना, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि एंड्रॉइड से कंपेयर करें तो एप्पल में ये काफ़ी अच्छे से रिफाइंड वे में हो पाएगा, बट अगेन कोई ऐसा इनसील लेवल फीचर नहीं है, हम ऑलरेडी 1 साल से ये एंड्रॉइड डिवाइसेस में देख रहे हैं। तो इतना ही कुछ था जो कल के इवेंट में हुआ था, मैंने काफ़ी शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा इवेंट जो है समराइज़ कर दिया है आप लोग के लिए। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सरंश, मिलता हूँ आप सर की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बहुत ही बात माता की जय। जय हिंद।